दोस्तों आप एक 4G फोन यूज करते हो लेकिन उसमें आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन ये APN सेटिंग को सेट करके आप 300-350 MB तक स्पीड पा सकते हो दिन भर ये APN सेटिंग सेट करके, जो कि 100% वर्किंग है। और ये वाला लेटेस्ट APN है, ये बेसिकली जियो सिम के ऊपर काम करने वाला है। और उसके साथ अगर आप BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम अगर आप खेलते हो ऑनलाइन पे, तो उसमें जो आपका पिंग का प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, आपका डाउनलोडिंग स्पीड भी फास्ट हो जाएगा और आपका नेटवर्क प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये APN सेटिंग सेट करने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जो जो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं सेटिंग बताऊंगा, ध्यान से आपका फोन में आपको अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह का हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा डालता रहता हूँ। तो दोस्तों जियो का APN सेटिंग को सेट करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल का मेन सेटिंग्स में चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों ये आपका सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दो सिम शो हो जाएगा, तो इनमें से जो आपका जियो का सिम है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम करके एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको APN पे लेके आ जाएगा, तो आपका जो पुराना APN है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर आपको रिसेट कर लेना है। रिसेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर न्यू APN सेट करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सामने एक एम्प्टी फॉर्म शो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं जो जो कोड्स यहाँ पर बताऊंगा सारा कोड आपको यहाँ पर डाल के इस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो यहाँ पर नेम का ऑप्शन दिख रहा है, इस नेम का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर पे एस लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर स्पीड लिखना है, स्पीड का एस कैपिटल लेटर पे होगा। उसके साथ आपको यहाँ पर आपको बॉट लिखना है, बॉट का भी बी कैपिटल लेटर पे होगा। तो दोस्तों स्पीड बॉट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पर हाइपर लिखना है, हाइपर का एच यहाँ पर कैपिटल लेटर पे होगा। उसके बाद दोस्तों एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर पे एक्स लिख लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्पीड बॉट स्पेस हाइपर एक्स लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों उसके नीचे है APN का ऑप्शन, तो इस APN का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर पे लिखना है जियो नेट, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जियो नेट लिख के ओके कर देना है। लिखने के बाद उसके नीचे है प्रॉक्सी ए नॉट सेट रखना है, उसके नीचे है पोर्ट ए भी आपको नॉट सेट रखना है। आपको डायरेक्ट यूजर नेम का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है जियो, जियो का जे कैपिटल लेटर पे होगा। तो दोस्तों जियो लिखने के बाद यहाँ पर आपको 5G लिखना है स्मॉल लेटर पे, अगर आपके पास एक 4G फोन है तो आप यहाँ पर 4G लिख देना। तो यहाँ पर जियो 5G लिख के आपको यहाँ पर ओके कर देना है। देने के बाद उसके नीचे है पासवर्ड, ये आपको नॉट सेट रखना है और आपको सर्वर का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर पे टाइप करना है www.google.com, तो यहाँ पर आपको google.com लिख के ओके कर देना है। देने के बाद दोस्तों उसके नीचे है MMSC नॉट सेट रखना है, उसके नीचे है MMS प्रॉक्सी ये भी आपको नॉट सेट रखना है, उसके नीचे है MMS पोर्ट ये भी नॉट सेट रहेगा, और MCC एंड MNC आपका एरिया का हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा आपका फोन में, तो ये जैसा है वैसे ही रहने दो, तो इसको आपको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो नीचे आपको ऑथेंटिकेशन टाइप करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको PAP और CHAP ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों उसके नीचे है APN टाइप का ऑप्शन, तो इसके ऊपर टैप करना है और आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर पे लिखना है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक कॉमा देना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है SUPL, ये भी यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर पे लिख लेना है, और इसके साथ और एक कॉमा देना है और आपको यहाँ पर नेट लिख लेना है, ये भी यहाँ पर स्मॉल लेटर पे होगा। तो ये लिख के यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके नीचे है APN प्रोटोकॉल, यहाँ पर क्लिक करके आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों उसके नीचे है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, यहाँ पर भी आपको क्लिक करके IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों नीचे आपको BRR का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस BRR का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर नॉट स्पेसिफाइड करके एक ऑप्शन आपको टिक देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको अनटिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE,
एंड GPRS, तो इतना ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर इतना ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका फोन में APN सेव नहीं होता है तो यहाँ पर सिर्फ आपको LTE ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके कर देना है और ये जो फॉर्म है यहाँ पर रेडी हो गया है, इसको आपको फोन में सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपका सामने एक जियो का नया APN शो हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ से बैक चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपका फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल का डाटा को ऑन करके आपको इंटरनेट चलाना है। देखना दोस्तों आपका इंटरनेट स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट चलना शुरू कर दिया है, तो आपका इंटरनेट स्पीड अभी कितना दे रहा है नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और भी इसी तरह का हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगला कोई नया वीडियो लेके। जय हिंद।